शादी एक दो दिन की बात नहीं है, जिंदगी भर साथ निभाने का फैसला है। ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ मम्मा। मानो तुम इसे साफ साफ बता दो, मैं हरगिज इसकी शादी उमेर से नहीं करूंगी। और लोग किसी भी तरह से हमारे बयान के नहीं है। ठीक है, तो फिर आप भी मेरा फैसला सुन ले, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ उमेर से, वरना मैं शादी ही नहीं करूंगी। सारा तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? यही समझ लें आप, और वैसे भी आप जानती हैं कि मैं कितनी जिद्दी हूं। चाची जान, अगर सारा की खुशी उमेर से शादी में ही है तो आप मान जाए ना। मानूर, तुम क्या कह रही हो? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं चाची जान, हर इंसान को अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारने का पूरा पूरा हक है, चाहे फिर वो मैं हूँ, आप हो या फिर सारा हो। तो तुम क्या चाहती हो, मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से खाई में डाल दूं? अब ऐसी भी कोई बात नहीं है समीना, मैंने पूरी मालूमात करवाई है, उमेर अपनी कंपनी में एक बहुत अच्छी पोस्ट पर है और उसके बॉस भी उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। मुझे पूरी उम्मीद है उमेर का फ्यूचर बहुत ब्राइट है इंशाल्लाह। चाची जान, चाचू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम सबके लिए दौलत इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो सारा की खुशी है। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि वो जुहेब को पसंद करती थी और जुहेब की शादी के बाद वो किस कर्ब और किस तकलीफ से गुजरी है। अब अगर इतनी मुश्किल से वो शादी के लिए राजी हो गई है तो समीना तुम भी तो यही चाहती थी, वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाह रही है तो इससे क्या मसला है? शौकत, चाची जान आप एक बार सारा पर भरोसा तो करके देखें, उसको उसके फैसले खुद करने दें, ऐसा ना हो कि वो एक बार फिर हम सब से बदजन हो जाए। वैसे भी आप जानती हैं वो कितनी जज्बाती है, अगर उसने फिर कोई गलत कदम, अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो? तो फिर ठीक है, मान जाओ समीना, सारा की खुशी में ही हम सब की खुशी है। ठीक है, सारा की खुशी इसी में, तो क्या कर सकती हूँ।